हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। ये एक क्रैश कोर्स चैनल है जिसमें यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पूरे कोर्स को कवर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट के यूनिट 10 को पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें धर्म और तीर्थाटन एक टॉपिक है और इससे रिलेटेड एक प्रश्न आना ही आना है यूजीसी नेट में, इसलिए इसको आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो धर्म क्या होता है? धर्म देखिए, अलौकिक शक्ति में विश्वास किया जाता है। धर्म में ऐसा माना जाता है कि विश्व में एक ऐसी अलौकिक शक्ति है, अदृश्य शक्ति है, जो सभी को चलायमान कर रही है, ठीक है। सभी कुछ अदृश्य शक्ति के इच्छा अनुसार ही हो रहा है, ठीक है। तो हम एक कल्पना कर लेते हैं कि कोई अलौकिक शक्ति है और उसका एक रूप हम मान लेते हैं। जैसे किसी ने कृष्ण को माना, किसी ने अल्लाह को माना, किसी ने सिख को माना, किसी ने कुछ को, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि अलौकिक शक्ति हम मान लेते हैं, एक स्वरूप उसको दे देते हैं कल्पना के अनुसार, और फिर उनकी पूजा आराधना करने लगते हैं, ठीक है। तो यही क्या है, ये धर्म है, ठीक। फिर देखिए, सभी धर्मों में एक चीज़ कॉमन होती है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में अक्सर आता है कि सभी धर्मों में कौन सी चीज़ कॉमन है। तो देखिए, एक चीज़ कॉमन होती है, अलौकिक शक्ति में विश्वास होता है, और दूसरी नर्क, स्वर्ग और नर्क जैसी अवधारणा है। विश्व का कोई भी धर्म आप उठा के देख लीजिए, उसमें स्वर्ग और नर्क का विवरण जरूर मिलेगा, ठीक है। कि आप अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे और बुरे कर्म करेंगे तो नर्क में जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ जो है, स्वर्ग और नर्क की अवधारणा जो है कॉमन है सभी धर्मों में, और अलौकिक शक्ति तो कॉमन होती है, वो तो धर्म है ही, ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर देखिए, कुछ विद्वानों ने धार्मिक अध्ययन किए हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप आगे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे फैक्ट मिलने वाले हैं, ठीक है, तो आप बने रहिएगा लास्ट तक। इसमें देखिए, कुछ विद्वानों ने जो अध्ययन किया हुआ है, सेक्रेट कॉम्प्लेक्स ऑफ जनकपुर, ठीक है, मक्खन झा ने लिखा हुआ है, सेक्रेट कॉम्प्लेक्स ऑफ जनकपुर, ठीक है। तो सेक्रेट कॉम्प्लेक्स नाम से कई पुस्तकें लिखी गई हैं, लेकिन जनकपुर जो है वो मक्खन झा ने किया, सेक्रेट कॉम्प्लेक्स ऑफ भुवनेश्वर एन के बोस, ठीक है। तो जब आ जाए सेक्रेट कॉम्प्लेक्स ऑफ जनकपुर, तो वो कौन हो जाएगा, मक्खन झा, और सेक्रेट कॉम्प्लेक्स ऑफ भुवनेश्वर, वो हो जाएंगे एन के बोस, ठीक है। सेक्रेट कॉम्प्लेक्स ऑफ हिंदू गया, ठीक है, बिहार में, बिहार के पास ही गया पड़ता है, आप जानते ही होंगे, जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सेक्रेट कॉम्प्लेक्स ऑफ हिंदू गया एल पी विद्यार्थी ने, ठीक है। तो तीन अवधारणाएँ तीन अलग अलग लोगों ने दी है, याद रखना है किसकी अवधारणा किसने दी है, ठीक है। फिर देखिए, सेक्रेट कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है ये भी जान लीजिए। सेक्रेट कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि एक पूरा एरिया जो है धार्मिक, जैसे मान लीजिए गया है, ठीक है, गया में जो पूरा एरिया जो वो जहाँ पे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, वहाँ से बहुत दूर तक का जो एरिया है, यानी उसमें जो भी पेड़ पौधे लगे होंगे, ठीक है, जो भी मंदिर होंगे, जो भी मस्जिद होंगे, ठीक है, जो नदियाँ बहेंगी, जो मिट्टी होगी वहाँ की, जो पत्थर होंगे, सभी कुछ क्या होगा, पवित्र माना जाएगा, ठीक है। तो सेक्रेट कॉम्प्लेक्स मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में जितनी भी चीज़ें पाई जाएंगी, चाहे वो निर्जीव हो सजीव हो, ठीक है, वहाँ में जो गौशाला में गाय बंधी होगी वो भी दिव्य मानी जाएगी, ठीक है। तो वहाँ का पूरा एरिया क्या होगा, दिव्य माना जाएगा। तो सेक्रेट कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, एक पूरा पर्टिकुलर एरिया होता है, उस पर्टिकुलर एरिया में जो भी पहाड़ पत्थर झरने या फिर मिट्टी हो या फिर जो पौधा हो पेड़ हो जो जानवर हो, सभी कुछ पवित्र माना जाएगा, ठीक है। तो सेक्रेट कॉम्प्लेक्स से क्या है, एक कॉम्प्लेक्स होता है, एक पूरा एरिया होता है जिसमें जो भी चीज़ें होती हैं हम उसको पवित्र मानते हैं, ठीक है। तो इसके संबंध में जनकपुर का अध्ययन मक्खन झा ने, और भुवनेश्वर एन के बोस, और हिंदू गया एल पी विद्यार्थी, ये तीनों, कन्फ्यूज मत होइएगा। फिर देखिए, द होली सर्किट ऑफ नैमसर, ये बी एन सरस्वती ने, देखिए इन्होंने जो सेक्रेट कॉम्प्लेक्स है उसको उन्होंने होली सर्किट कहा है, ठीक है। तो चीज़ वही है कि मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में जितनी भी चीज़ें पाई जाएंगी, जैसे मान लीजिए हम गया को पवित्र मानते हैं, बोध गया को, ठीक है, तो वो एरिया जहाँ पे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, वहाँ से लेकर जो भी परिसर है उस मंदिर का, ठीक है, उस परिसर के अंदर जो भी चीज़ें पाई जाएंगी, यानी वहाँ का पत्थर भी पवित्र माना जाएगा, ठीक है, उसको लोग लाके मूर्तियों में मंदिरों में स्थापना करते हैं, ठीक है, वहाँ का जो पानी है वो पवित्र माना जाएगा, जो फूल है पेड़ है पौधे हैं सब कुछ क्या होगा, पवित्र। तो होली सर्किट ही है क्या, सेक्रेट कॉम्प्लेक्स। तो नैमसर, होली सर्किट ऑफ नैमसर, बी एन सरस्वती, ये इंपॉर्टेंट है। धार्मिक संकुल की अवधारणा किसने दी है, देखिए धार्मिक संकुल की अवधारणा एल पी विद्यार्थी ने दी है, और धार्मिक संकुल का मतलब जो होता है वो सेक्रेट कॉम्प्लेक्स ही होता है, ठीक है, यानी एक पर्टिकुलर एरिया में जितनी भी चीज़ें पाई जाएंगी सजीव निर्जीव, सभी क्या होगा, पवित्र माना जाएगा, ठीक है। तो वो पूरा संकुल होता है, पूरा एरिया जो होता है वो पवित्र होता है। फिर देखिए, धार्मिक निर्धारणवाद, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, धार्मिक निर्धारणवाद की अवधारणा कीड और मैक्सेबर,
ठीक है, अब कैसे है देखिए, मैक्स वेबर ने माना है कि जो धर्म है, धर्म ही निर्धारक है आर्थिक स्थिति का। और आप जानते हैं कि आर्थिक स्थिति से ही व्यक्ति की और भी जो पक्ष हैं, जैसे सामाजिक है, सांस्कृतिक है, ठीक है, सभी चीज़ें किससे निर्धारित होती है? आर्थिक से। आर्थिक किससे निर्धारित होता है? धर्म से। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो व्यक्ति के जीवन की समस्त चीज़ें किससे निर्धारित हो रही है? धर्म से। ठीक है, तो धार्मिक निर्धारणवाद की अवधारणा किसने दिया है? मैक्स वेबर और कीड ने। ठीक है, फिर देखिए, धार्मिक लौकिक सातत्य की अवधारणा वैद्यनाथ सरस्वती ने दी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर कुछ फैक्ट है, थोड़ा सा देख लेते हैं। धार्मिक नीतिपरक तत्वों की बात मैक्स वेबर ने की है। ठीक है, यानी धार्मिक नीतिपरक का नाम आ जाए कि धार्मिक नीतिपरक की बात किसने की है, तो वो कौन होगा? मैक्स वेबर। ठीक है, तो याद रखिएगा। ईश्वरवाद क्या होता है? ठीक है, ईश्वरवाद देखिए, देवी देवता में ऐसी आस्था जो मानवीय कार्यों को प्रभावित करती है, उसे हम ईश्वरवाद कहेंगे। ठीक है, यानी यदि हम अध्यात्म सोसाइटी से जुड़े हुए हैं तो हम क्या करेंगे, हम ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, हम अध्यात्म से ज़्यादा जुड़ेंगे। ठीक है, तो हम ऐसे परिश्रम नहीं करेंगे कि भौतिकवाद को ज़्यादा जहाँ पे मान्यता हो उन लोगों के बराबर हम परिश्रम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ईश्वरवाद मतलब होता है कि ईश्वर में ऐसी आस्था कि हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू किससे प्रभावित हो? ईश्वर से। ठीक है, यानी जो धर्म हम मानते हैं उस धर्म के लोग कैसा जीवन जीते हैं, किस तरह के जीवन शैली, यानी पूरी तरह से कट्टरवाद जो होता है धर्म में, उसको हम ईश्वरवाद कह सकते हैं। देवकुल देखिए क्या है। देवकुल का मतलब होता है देवी देवता तंत्र में विश्वास करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए बहुत लोग होते हैं जो धर्म को मानते हैं लेकिन वो तंत्र में विश्वास नहीं करते, वो ये नहीं मानते कि इंद्र जब वो पानी बरसाते हैं, वरुण देवता ऐसा करते हैं, ये देवता ऐसा करते हैं, इसीलिए जब पूजा की जाए तो 33 कोटि देवताओं को प्रणाम करते हुए इतने अनुष्ठानों को करना ज़रूरी है, तो ये वो लोग नहीं मानते। ठीक है, तो अनुष्ठान नहीं मानते, वो केवल ईश्वरीय शक्ति में विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो देवकुल का मतलब क्या है? समस्त आडंबर और समस्त अनुष्ठानों के साथ पूरे देवी देवता तंत्र में विश्वास करना। शास्त्रों में जो लिखा है कि इनके 101 पुत्र थे तो उनके 101 पुत्र को इस तरह से अनुष्ठान के द्वारा प्रसन्न करना है, तो ये सब चीज़ें बहुत लोग नहीं मानते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो जो लोग मानते हैं उनको देवकुल, वो देवकुल के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ईश्वरवाद जानते हैं कि हमारे जीवन के जो रोज के कार्य हैं यदि वो धार्मिक चीज़ों से प्रभावित होते हैं तो क्या होगा, वो ईश्वरवाद हो जाएगा। कुछ प्रमुख तीर्थ स्थल देखिए कौन कौन से हैं। चार धाम, यदि आप इंडिया में हैं तो आपको चार धाम के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, पहला धाम है बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड। ठीक है, दूसरा है रामेश्वरम तमिलनाडु, फिर है जगन्नाथपुरी उड़ीसा। ठीक है, फिर द्वारिका, ये गुजरात में है। तो चार धाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए केदारनाथ जो है वो जागृत शिवलिंग कहा जाता है। तो यदि ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा मंदिर है जिसको जागृत शिवलिंग के अंतर्गत रखा गया है, तो केदारनाथ उत्तराखंड में। ठीक है, ये रुद्रप्रयाग में है। वैष्णो देवी श्रीनगर जो कटरा में है, ये याद रखिएगा कहाँ पे मंदिर कौन सा है। देखिए तीर्थ स्थल आपके सिलेबस में है, इसीलिए करंट के टॉपिक के अंतर्गत ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको सारे मंदिर के अच्छे से डिटेल रखनी चाहिए। स्वर्ण मंदिर देखिए अमृतसर पंजाब में है ये, और काफ़ी फेमस मंदिर है, जो फेमस मंदिर है उनको जानना ज़रूरी है। ठीक है, सूर्य मंदिर कोणार्क में है, उड़ीसा में है। ठीक है, और सूर्य मंदिर ये सबसे ज़्यादा फेमस सूर्य मंदिर है, इसलिए आपको ये याद रखना चाहिए। अमरनाथ मंदिर, आप जानते हैं कि अमरनाथ मंदिर जो है ये बहुत फेमस मंदिर है, और यहाँ पे पहुँचने के लिए भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तब तक आपका लकी ड्रॉ में जब आपका नहीं आएगा जब तक, तब तक आप नहीं जा सकते। ठीक है, तो काफ़ी फेमस है और काफ़ी दुर्लभ है यहाँ का दर्शन, इसलिए इसको भी जानिए। ये कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में। ठीक है, शिरडी के साईं बाबा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नासिक महाराष्ट्र। मंदिर जो है ये बहुत फेमस मंदिर है, और अभी जल्दी ही ये चर्चा का विषय था क्योंकि ये महिलाओं के लिए भी खोल दिया गया है। ठीक है, इसके पहले महिलाएं वर्जित थी यहाँ पे जाना, तो इसलिए काफ़ी चर्चित है और ये एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, सबरीमाला मंदिर ठीक है केरल में है। सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई महाराष्ट्र, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर देखिए जल मंदिर, और ये नाम भी थोड़ा सा दूसरे ढंग का है तो ये एग्ज़ाम में भी आ सकता है। ठीक है, जल मंदिर पावापुरी बिहार में। फिर देखिए कैलाश मंदिर कहाँ है? एलोरा महाराष्ट्र। ठीक है,
फिर अक्षरधाम मंदिर, ये भी काफ़ी बार सुना हुआ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पेपर में भी आता रहता है। ये दिल्ली और गुजरात दो हैं, दो जगह पर, ठीक है, दोनों अलग अलग जगह पर इसी नाम से मंदिर हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है, ठीक है। सोमनाथ मंदिर देखिए फेमस मंदिर है, यहाँ पर महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था, तो ये और भी फेमस मंदिर आप जानते ही हैं। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर? जूनागढ़ में, गुजरात में। तिरुपति मंदिर, ये भी बहुत फेमस मंदिर है, चित्तूर में है, आंध्र प्रदेश में। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी, असम, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यदि सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।